हेलो ड्रिवन, द क्वेश्चन इज द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन नेगेशन ऑफ एस एंड नेगेशन ऑफ आर एंड एस इज इक्विवेलेंट टू। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ से कि एक स्टेटमेंट दिया है एस और यहाँ से क्या दे रखा है एस और नेगेशन ऑफ आर एंड एस दिया हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से आर क्या कॉमन ले, इसमें से नेगेशन क्या कॉमन ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं कि इसका हमें क्या चाहिए निगेशन फाइंड आउट करना है। निगेशन फाइंड आउट करना मतलब कि इसमें हम क्या सभी में निगेशन लगाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ से निगेशन ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या निगेशन आर एंड क्या एस हो जाएगा। तो जब हम निगेशन को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये एंड आर में कन्वर्ट हो जाएगा, आर किस में एंड, आर एंड में और एंड किस में आर में कन्वर्ट हो जाएगा और में। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा निगेशन ऑफ हो जाएगा क्या निगेशन एस एंड, ये हो जाएगा यहाँ से क्या निगेशन ऑफ और एंड क्या एस आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमें पता है कि अगर निगेशन को डबल निगेशन से क्या वही वैल्यू प्राप्त फाइंड आउट होती थी, यहाँ से हो जाएगा एस हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा यहाँ से क्या निगेशन ऑफ हो जाएगा आर और ये हो जाएगा यहाँ से क्या निगेशन ऑफ एस आ जाएगा। तो फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा एस एंड हो जाएगा यहाँ से आर हो जाएगा और निगेशन ऑफ एस आ जाएगा। हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर क्या लिखा है निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखा है तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, उसका निगेशन ऑफ होता है पी एंड निगेशन क्यू होता है। और अगर हमें यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू दिया हो इसको हम क्या लिखेंगे, हो जाएगा निगेशन ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या पी और निगेशन क्यूब हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और यहाँ पे अप्लाई किया था। तो अब हम नेक्स्ट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा यहाँ से तो ब्रेकेट लग जाएगा, क्यों ये ब्रेकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेट लगा हुआ है ना, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा एस एंड हो जाएगा आर और क्या हो जाएगा यहाँ से एस एंड क्या निगेशन ऑफ एस आ जाएगा। तो इसमें हमने फिर से इसमें हमने क्या किया है कि इसको सिंप्लीफाई करने अगर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे रूल अप्लाई किया कि पी एंड क्या लिखा है क्यू और आर लिखा है, तो इसको हमने क्या लिखा है पी इक्विवेलेंट, अगर इसका इसके साथ इसका क्या जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा पी एंड हो जाएगा क्यू और क्या हो जाएगा यहाँ से पी एंड आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एस एंड निगेशन एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। और फिर इसका चेंजेस किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे हमें पता है कि पी एंड निगेशन पी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिखा, अगर एस लिखा है और क्या निगेशन ऑफ एस लिखा है क्या हो जाएगा यहाँ से ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फॉल्स का क्या ट्रू आ जाएगा। एस एंड क्या हो जाएगा निगेशन एस राइट इन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ये भी कम्प्लीट फॉल्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हो जाएगा एस एंड हो जाएगा आर और क्या हो जाएगा यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स रहेगा, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स 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 होगा ट्रू, तो मतलब कि कुल मिला डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि जो इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी इस पे डिपेंड करेगी। ठीक, जब इस पे डिपेंड करेगी तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी एस एंड क्या आर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर ऑप्शन चेक करेंगे एस एंड आर मीन्स यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।